हिंदू राष्ट्र की, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सब पूरी देश की तमाम महिला जनता इतनी है, वो पूरी जनता महिला मोदी जी के साथ है। देर के लिए मोदी जी का चेहरा साइड कर दें तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किन को देखना चाहते हैं? योगी जी को। मतलब योगी जी आएंगे तो फिर तो और तेजी से आगे भागने वाले, ये से काम होगा आगे फिर भारत के अंदर। 24 में किन की सरकार आनी चाहिए केंद्र? बीजेपी की और सरकार चुके, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी? बीजेपी। 24 में किन की सरकार? मोदी की। मोदी की, ऐसा क्यों? काम करा है मोदी जी ने। क्या क्या काम करा है, दो तीन काम गिनवा दो। 270 है, राम मंदिर है और 3 तलाक है, सारा काम करें। नोटबंदी है, बनना चाहिए। हमारे हिंदू एक भी राष्ट्र नहीं है पूरे वर्ल्ड में, मुंडन बहुत सारे बने हुए राज्य, बनना चाहिए राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र। अयोध्या में यदि इतनी भव्य मंदिर बन जाएगी तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इस परस्पेक्टिव से होगा कि लोग बाहर के लोग वहाँ आएंगे, मंदिर देखने के लिए आएंगे, और जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो शहर का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अगर कुछ देर के लिए मोदी जी को चेहरा हटा दिया जाए तो प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? बीजेपी से। बीजेपी से आपने योगी राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक सभा, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। इस वक्त इंडिया गेट पे मौजूद हूं। 2024 का इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है तो इंडिया गेट पे पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से लोग घूमने आते हैं और बताया जा रहा है कि 2024 में मोदी सरकार 400 पार करने वाली है, मतलब 400 सीट जीतकर मोदी सरकार फिर से सरकार बनाने वाली है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं लोगों से, क्या सच में 2024 में मोदी सरकार 400 पार करके फिर से सरकार बनाएगी या फिर नहीं। तो चलिए लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी की सरकार आ जाएगी, और कोई है ही नहीं। बीजेपी, बीजेपी काम ही वैसा कर रहे हैं मोदी जी। काम किया महिलाओं के लिए बीजेपी ने, बता। अरे जो भी योजना बनाए वो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए बनाए, उसमें से मैं कितना बोलूँ तुम्हारे को, शौचालय है, उज्ज्वला गैस एजेंसी है, और अपना जो अभी 50% महामंडल का ST का टिकट फ्री किया वो है, और घरकुल है, जैसे कि अपना फ्री में राशन है, टीकाकरण है, ऐसे कितनी योजना है अगिनत कि हम बोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते। सबसे ज़्यादा तो उनका फोर्स या सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं पर ज़्यादा, मतलब महिलाएं अभी मोदी जी के साथ में खड़ी है। 24 में मोदी जी आ रहे हैं पक्का। सब पूरी देश की तमाम महिला जनता इतनी है, वो पूरी जनता महिला मोदी जी के साथ है। अच्छा, मोदी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं? सुरक्षित तो करती है, अभी आप देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार भी देख रहे हैं, जो भी अत्याचार की घटनाएं हो रही है उसमें कितनी कलम अभी मोदी जी ने अलग अलग कर दे, पहले कैसा था और अभी कैसा है। हम अभी 11 बजे से आगे घूम सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या लगता है अंकल, कहाँ से आए हैं आप पहले? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं आप, क्या लगता है 24 में किन की सरकार आनी चाहिए केंद्र में? मोदी सरकार की। ऐसा क्यों, मतलब जहाँ जा रहा हूँ मोदी 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 क्यों? मोदी भारत में बहुत सुविधा लगाए गरीबों के लिए और आम आदमी के लिए, और जेग में उसका नाम है, जेग में उन्हें अपना वर्चस्व बनाने वाला है, इसलिए। तो दो तीन काम बता दीजिए जो मोदी जी ने किया हो और आपको फायदा पहुँचा। अपना घरकुल का प्रधान योजना घरकुल है, उज्ज्वल गैस योजना है, किसान योजना है, किसान के खेत खाते में पैसे जा रहे हैं 6,000 साल के, ये दो तीन योजना है ना, अच्छे से ना, इसलिए मोदी जी का सरकार आना चाहिए। अच्छा, अगर कुछ देर के लिए मोदी जी को चेहरा हटा दिया जाए तो प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? बीजेपी से। बीजेपी से आपने योगी राज, मतलब योगी जी, मोदी के बाद योगी जी। योगी जी 2024 में आ रहे हैं मोदी जी? मोदी जी 2024 में आ रहे हैं पक्का। एक मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा देश? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? अपना हिंदू का राष्ट्र है इसलिए हिंदू बनना चाहिए। यहाँ मुसलमान भी रहते हैं? बहुत कम रहते हैं, मुसलमान के लिए पाकिस्तान अलग दिए वाला है ना, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र से है। लेकिन उस वक्त तो बोला गया था ना, जिनको रहना है रहो, जाना है जाओ, रहने के लिए समान अधिकार दिया गया उनको, तो फिर उनको तो रहना दिया गया तो हिंदू बोल के रहना है, और हिंदू मुसलमान को हिंदू बन के रहना है, हिंदू का सब मान्य है तो रहना, नहीं मान्य है तो उन्हें पाकिस्तान में जाना, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने का, मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अच्छा सर, 2024 में किन की सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की सरकार आएगी। ऐसा क्यों? मोदी जी ही क्यों, और भी बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग हैं। पार्टियां हैं बट विजन नहीं है जो बीजेपी के पास में है। क्या विजन है बीजेपी के पास, आपको क्या दिखा बीजेपी में? बीजेपी में हर एक लेवल पे विजन है, चाहे डेवलपमेंट लेवल पे, कंट्री के डेवलपमेंट लेवल पे विजन हो, कंट्री को यूनाइट करने के लेवल पे विजन हो,
या फिर फॉरेन लेवल पे विजन हो, हर एक लेवल पे विजन है वहाँ पे। हम अभी तक यहाँ पे इंडिया गेट पे रुके हैं, बट यदि कंपेयर करें इंडिया गेट को आज से 2 साल पहले या 10 साल 5 साल पहले और अब देखें बहुत डिफरेंसेस हैं। तो हर एक जगह विजन है, तो ऑब्वियसली जहाँ विजन होगी लोगों को डेवलपमेंट दिख रहा है तो मुझे लगता है बीजेपी आएगी। अच्छा, लोग बेरोजगारी और महंगाई असर डालेगा 2024 चुनाव पर, लोग कह रहे बेरोजगारी बहुत है। देखिए बेरोजगारी ये मैं नहीं मानता कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे पास में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये है ये। लेकिन इजी टू बिजनेस जो आया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो एक डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, जो सपोर्ट दे रही है बैंक, ये सरकार दे रही है कि नहीं आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हम लोग प्रमोट करेंगे, आपको पैसे देंगे, लोन देंगे, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनिशिएटिव्स लेके गवर्नमेंट चल रही है जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। यदि हम कंपेयर करें पिछले कुछ गवर्नमेंट्स की और बीजेपी गवर्नमेंट्स की, तो उस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट बीजेपी ड्यूरेशन में बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा, क्या लगता है राम मंदिर बनना हमारे देश में रोजगार को बढ़ावा देगा? बिल्कुल देगा, ऑब्वियस देगा, क्योंकि आप देखें कि दिल्ली में लोग आ रहे हैं, ठीक है। अभी अयोध्या में यदि इतनी भव्य मंदिर बन जाएगी तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इस पर्सपेक्टिव से होगा कि लोग बाहर के लोग वहाँ आएंगे, मंदिर देखने के लिए आएंगे, और जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो शहर का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हर एक इंडस्ट्री में आपका जो है अयोध्या और उससे जुड़ी हुई जितने शहर हैं वो धीरे 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 डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो यदि पर्यटन में आप यदि कहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि पर्यटन जो है वो देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर से पैसे आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में 400 पार या फिर 400 के नीचे बीजेपी? नहीं, यदि अपोजिशन यूनाइट होती है समहाउ, ठीक है, तो थोड़ी सीट कम रहेगी हमारी, बट बीजेपी गवर्नमेंट ही बननी है। मैं लखनऊ SS भट्ट, लखनऊ से। अच्छा, क्या लगता है 24 में किनकी सरकार आनी चाहिए केंद्र में? बीजेपी की। क्या वजह, थोड़ी कुछ बता दें क्या वजह? आदमी मोदी को पसंद करता है, वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, विपक्ष एकजुट है मोदी को हराने के लिए, क्या लगता है हरा पाएगी? विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि देखा जाए इसमें ऐसा कोई नेता नीतीश को छोड़ के और कुछ है नहीं ऐसा, मतलब मोदी आ रहे हैं, मोदी की और सरकार झुक रही है, बीजेपी कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी की सरकार? बीजेपी। अब इसमें किनकी सरकार? मोदी की। ऐसा क्यों? काम करा है मोदी जी ने। क्या क्या काम करा है, दो तीन काम गिनवा दो। 270 है, राम मंदिर है, और 3 तलाक है, बहुत सारा काम करे हैं उन्होंने, नोटबंदी है। अच्छा, एक अभी मांग उठ रहा है बहुत हिंदू राष्ट्र का, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारा हिंदू एक भी राष्ट्र नहीं है पूरे वर्ल्ड में, मुंडन बहुत सारे बने हुए राज्य, तो ये बनना चाहिए राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र जरूरी है। अच्छा, अभी विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्या लगता है 2024 में हरा पाएगा मोदी? पहले भी होते एकजुट, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, वो तो होते रहते हैं एकजुट, हर बार होते हैं, मतलब कुछ भी कर लो मोदी जी को हराना नामुमकिन। नामुमकिन है। अच्छा, कुछ देर के लिए मोदी जी का चेहरा साइड कर दें तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहेंगे? योगी जी को। मतलब योगी जी आएंगे तो और तेजी से आगे भागने वाले, तेजी से काम होगा आगे फिर भारत के अंदर। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। दिल्ली में केजरीवाल कैसे काम कर रहे हैं? कुछ काम नहीं कर रहे केजरीवाल, सिर्फ टीवी पर चला कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, वो जो 46 करोड़ का बंगला वाला बात आया था, अब वो क्या लगता है सच में उन्होंने बनवाया था? बनवाया क्यों नहीं बनवाया? बनवाया होगा तब तो न्यूज में आया। ऐसा जनता का पैसा से और किसका पैसा आएगा? पैसा तो हमारे पैसा है वो तो। अच्छा, दो तीन काम और बता दें आप मोदी जी का, क्योंकि राम मंदिर 370 ये सब कोई जानता है, कोई ऐसा काम जो आपको फायदा पहुंचाए? हमें देखो, हमें अगर वैसे बताएं, हम तो नॉर्मल एक आम इंसान है, इसीलिए आपसे पूछा, हमारी नॉर्मल जॉब है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर काम जो बहुत स्लो हो रहा था वो काम हो रहा है, गवर्नमेंट अफसर काम करने बैठ रहे हैं, पहले कोई काम करने बैठता नहीं था, अब बैठ तो रहे हैं, कम से कम सख्ताई उनके ऊपर हो रही है, तो ये काफ़ी है, जो वो काम करेंगे तो हमारा काम भी होगा। अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं कि कर्नाटक हरा दिया मोदी जी को, अब केंद्र भी हरा देंगे। अरे केंद्र हराना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। मतलब मोदी जी आ रहे 24 में। तो ये थी दिल्ली की जनता, 2024 चुनाव की चर्चाएं चल रही थी, 2024 में किनकी सरकार आनी चाहिए और मोदी सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं,
इन चीज़ों के ऊपर चर्चाएं चल रही थी, आपके सामने जनता का राय रखा हमने। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि 2024 में किन की सरकार आनी चाहिए, और देखते रहिएगा द लोकसभा।